नमस्कार किसान भाइयों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में लगातार जो है गड़बड़ी देखने को मिल रही है, इसी बीच एक और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो बेनिफिशियरी स्टेटस का ऑप्शन था उसमें बहुत ही बड़ी गड़बड़ी देखने को मिल रही है। आपको बता दें, अब आप जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्तें चेक नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कोई भी किस्त आप अब नहीं चेक कर पाएंगे। अब तक जो है किसान सम्मान निधि योजना के तहत कुल 11 किस्तें मिल चुकी हैं, लेकिन अब किस्तें चेक करने का ऑप्शन जो है हट चुका है। तो आप किस वजह से जो है ये ऑप्शन हटाया गया है, अब आप कहां पे अपना पैसा चेक कर पाएंगे, तमाम जानकारी जो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पहले देखो पहले सीखो YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही जो घंटे का आइकन है इसको भी दबा के ऑन कर लें लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं, हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं, जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे किस चेक करने के लिए, आपको यहाँ पे बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन में आपको जाना होता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं फार्मर कॉर्नर में जो आपको इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देता है बेनिफिशियरी स्टेटस का, आप यहीं से अपनी किस्तें चेक कर पाते थे। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने पहले जो है तीन ऑप्शन आते थे, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और अकाउंट नंबर। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर का ऑप्शन हटा दिया गया था, सिर्फ ऑप्शन थे आधार नंबर और अकाउंट नंबर का। लेकिन अब जो है आजकल तीनों ऑप्शन हट चुके हैं और यहां पे इस तरीके से लिखा हुआ रहा है, पेज इज अंडर मेंटेन, इट विल बी मेड अवेलेबल सून। कहने का मतलब इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो है काम चल रहा है, तो जल्द ही जो है आपके सामने ये पेज जो है जल्द ही अवेलेबल हो जाएगा, यानी कि अवेलेबल सून यहां पर बताया गया है। अब दोस्तों ऐसा क्यों करना पड़ा है तो आपको बता दें, अभी तक जो है काफ़ी किसान ऐसे हैं जिनके अकाउंट में 11वीं किस्त का पैसा नहीं पहुंचा है, क्योंकि इस बार जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो पैसे डाले गए थे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शिमला से, तो दोस्तों 11वीं किस्त के जो पैसे थे उनको हैकरों ने हैक कर लिया है। इस वजह से ये पैसा जो है एक्चुअल किसानों को नहीं मिल पाया है। इस वजह से यहाँ पर जो है दोबारा से इस स्कीम के तहत यहाँ पर जो है इसे अपडेट किया जा रहा है, जो भी इसमें कमी थी उसे दूर किया जा रहा है। इसी वजह से यहाँ पे ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बेनिफिशियरी का ऑप्शन हटा है। आपको किसी भी प्रकार से चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको सबसे पहले सबसे सटीक और बिल्कुल पुख्ता सबूतों के साथ जानकारी आप तक शेयर की जाएगी। इसके लिए वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ ही चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हर प्रकार की छोटी से बड़ी अपडेट पाने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही दोस्तों जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, जिन्होंने बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को नहीं किया है तो उनके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी है, पास में बेल या घंटे के निशान को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को जरूर कर लें, ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड करो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन इंक्लूड है वो आप सबसे पहले देख पाए। जो भी कमेंट बॉक्स में आप जो भी समस्या है पीएम किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।